तो गाइस यार स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम यार फिर से कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं अपनी सीरीज़, आज हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई देखो यार, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि क्यों ना एक न्यू सर्वाइवल सीरीज़ स्टार्ट करो जिसमें यार सब कुछ नॉर्मल हो, किसी भी मॉड का इसमें यूज़ ना हो। तो भाई देखो, हम जो एक नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरे जो है कंट्रोल भी नॉर्मल हो चुके हैं, क्योंकि भाई देखो अगर मैं जावा के कंट्रोल्स को लगा कर खेलता हूँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है उसको कंट्रोल करने में, और नॉर्मल सीरीज़ में नॉर्मल कंट्रोल अच्छा रहेगा। और हो सके तो मैं जो इनको बाकी वर्ल्ड्स में भी अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यार देखो ऐसे में फिर मूवमेंट देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और कई बार मैं भाई एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में गिर जाता हूँ, जिससे हमको जो है लॉस भी होता है काफ़ी। तो ये भाई ठीक रहेगा। और गाइस देखो, ये सीरीज़ जो है नॉर्मल बिल्कुल नहीं होने वाली, इनमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा ताकि यार आपको जो है मज़ा ना ख़राब हो। और यार ये सीरीज़ भी जो है बिल्कुल ही एपिक होने वाली है, तो यार होप्स आपको जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। तो भाई देखो, अब हमारा जो है बिल्कुल पहला काम है ट्रीज़ को करना है चॉप, जो कि यार सभी किसी नॉर्मल प्लेयर का काम आता है। तो यार अब मैं जो है इस ट्री को कर लेता हूँ चॉप ताकि हम उसे क्राफ्टिंग टेबल को बना पाएँ। देन गाइस हम जो है वूल को कलेक्ट करेंगे और फूड को, ताकि हमारा जो है आगे प्रोग्रेस जो है कंटिन्यू होता रहे। तो मैं इसको कर लेता हूँ चॉप, ये रह गया लास्ट ब्लॉक। और गाइस यार देखो, अब हमारे पास जो है आ चुके हैं ब्लॉक अच्छे खासे, तो मैंने एक बना लिया क्राफ्टिंग टेबल। तो गाइस यार अब हम ढूंढते हैं शीप को ताकि हम उसको मारें, उससे हमको मिले वूल जिससे हम अपना बेड को बना पाएँ और हमको जो है फूड भी मिल जाएगा। तो गाइस यार ये देखो, हमको जो है सामने की ओर शीप दिख रही है, और भाई यार ऐसे में दिक्कत आती है भाई, मतलब गुस्सा आ रहा है यार जब एक शीप मिले हमको दो दो कलर की, तो भाई गुस्सा आता है। क्योंकि यार देखो, अगर हम दोनों को भी मारें तब भी हमारे पास जो है बेड बनाने का रिसोर्स वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यार यही चीज़ है, बट क्या ही करें, इसको मार देते हैं और हमको जो है एटलीस्ट फूड तो भाई मिलेगा। कोई बात नहीं गाइस यार, हम चलते हैं थोड़ा और आगे, कोई और शीप हमको मिले तो। गाइस यार वो देखो सामने भी हैं शीप्स, तो यार हम जो इनको मारते हैं जल्दी से। और गाइस यार कोई दिक्कत नहीं, इस सीरीज़ की जो है स्टार्ट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, और यहाँ पर हमको दो शीप मिली हैं, जो कि यार अब हमारे पास जो रिसोर्स कंप्लीट हो चुका है बेड को बनाने का। तो भाई अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमको रात में। तो सबसे पहले यार एक लास्ट शीप रह गई है, हम जो इसको मार देते हैं। तो भाई अब हमारे पास जो है रिसोर्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो देखो यार अब हमको जो कोई भी डर नहीं है। तो गाइस यार अब हम जो है एक अच्छा सा एरिया ढूंढते हैं जहां पर हम जो अपने घर को बना पाएं, क्योंकि यार अब अगर रात होगी तो हम फटाक से सो लेंगे, कोई अब हमको मॉब की डर नहीं है और हमारे पास अभी कोल नहीं है। तो यार इसलिए मैं जो है एनिमल्स को थोड़ा और मारूंगा ताकि हमको जो है फूड ज़्यादा मिल सके, क्योंकि हम जो है अभी फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर है और भी सारे एनिमल्स, तो यार हम जो इनको मारते हैं फटाक से, और इनसे जो फूड मिलेगा वो हमें हेल्पफुल रहेगा काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर एक और शीप है भाई, इसको भी मार देते हैं जल्दी से, मारो। तो गाइस यार चलो, अब हम जो अपने घर के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, और हम जो है अब डेजर्ट में आ चुके हैं। और गाइस मैंने जो है बेसिक सा सामान बना लिया, मैंने एक स्वॉर्ड और पिकैक्स बना लिया। और गाइस यार ये देखो, सामने हमको जो है एक अकेशिया का विलेज मिल गया, जो कि यार बहुत ज़्यादा मस्त है। और भाई यार हम जो एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे, और विलेज में अगर हम घर बनाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। और यहाँ पर एक रैबिट, तो भाई मैं इसको मार देता हूँ, और हमको रैबिट फूड नहीं मिला भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हमको रैबिट हेड मिल गया, जो कि यार ठीक है, और क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो चलो गाइस यार अब हम चलते हैं इस विलेज के अंदर और देखते हैं, अगर हमको कोई अच्छी सी लूट मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए। और सीरीज़ की स्टार्ट यार काफ़ी अच्छा हुआ है। और भाई इनके ये फार्म कैसे भाई उजड़े हुए, क्या हुआ भाई? ओह गाइस यार, यार मेरे को लग ही रहा था, मतलब यार ये विलेज अबैंडेड है। ओह भाई यार, मतलब कि इतना मस्त विलेज हो और ये अबैंडेड है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और यहाँ पर जितने भी हैं ये ज़ॉम्बी विलेजर, मैं इनको मार देता हूँ, नहीं तो यार ये हमको काफ़ी ज़्यादा तंग करेंगे। गाइस यार अबैंडेड विलेज यार बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरनाक लगता है देखने में, क्योंकि भाई जो नॉर्मल विलेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ पर जो है विलेजर्स रहते हैं और वहाँ पर जो है आयरन गोलम भी होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और वो जो है प्लेस काफ़ी अच्छा होता है अगर हमको जो एक बेसिक सा घर बनाना है अपने स्टार्टिंग सर्वाइवल सीरीज़ के लिए। तो लेकिन भाई अबैंडेड विलेज बिल्कुल उसके उल्टे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मॉब स्पॉन होते हैं ख़तरनाक, और क्रीपर आपके घर को ब्लास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर घर बनाना अभी के लिए पॉसिबल तो नहीं है। और गाइस यार यहाँ पर जो है एक चीज़ अच्छी है, मतलब यहाँ पर जो है फूड बहुत सारा है, और अगर अकेले हमको यूज़ करना है तो भाई ये हमारे लिए काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। लेकिन गाइस यार मैं शपथ लेता हूँ, मैं इस विलेज को अबैंडेड से एक उपजाऊ विलेज बना दूंगा। सॉरी गाइस यार, फ्लो में थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह था, हम जो इस विलेज को पहले की तरह अच्छा बना देंगे, जहाँ पर विलेजर्स हंसी खुशी से रहते हैं। मैं इस विलेज को दोबारा से बसा दूंगा अच्छे से। गाइस यार अगर यहाँ पर विलेज है तो इसके पास में और भी विलेज हो सकते हैं, जहाँ से हमको जो है विलेजर को लाना पड़ेगा।
तो गाइस यार देखो सामने एक माउंटेन है, तो हम क्यों ना उसके ऊपर चढ़कर एक एरिया को देखते हैं अपने एरिया के आसपास को, अगर कोई विलेज हुआ तो हमको जो है दिख जाएगा, क्योंकि यार वो पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अब हमारे पास जो है फूड काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब हम जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं आराम से। तो चलते हैं भाई इस माउंटेन के ऊपर, और यार इस पे ऊपर चढ़ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और गाइस यार रात भी हो रही है तो हमको यार फटाक से चढ़ना है। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम, हम यहाँ पर उठ चुके हैं और यार रात को आराम से सो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मॉब वगैरह का अटैक नहीं हुआ। और गाइस यार देखो अब हम इस माउंटेन के ऊपर आ चुके हैं, तो अब हम यार एरिया को देखते हैं, अगर कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाए, और मोस्टली यार विलेज मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर भी शिप्स हैं, हम इनको भी मार देते हैं। और गाइस यार फूड तो भाई साहब हमारे पास बहुत अच्छा खासा हो चुका है, और उस विलेजर के चेस्ट में से हमको जो है एक ब्रेड भी मिल चुका है, जो कि यार काफ़ी अच्छा है। और गाइस यार ये एरिया भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, तो क्यों ना हम इसके नीचे जाकर देखते हैं। लेकिन सबसे पहले यार मैं जो है सामने की तरफ से लुक ले लेता हूँ, सामने डेजर्ट दिख रहा है मेरे को, तो वहाँ पर एक विलेज जो हो सकता है, तो यार अगर विलेज हुआ तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर लामास हैं, तो मैं इनको यार तंग नहीं करूँगा, निकल लो यहाँ से। गाइस यार सामने हमको जो है काफ़ी लंबा डेजर्ट देखने को मिल रहा है, और गाइस वो देखो सामने जो है वेल, जिसको आप रेयर स्ट्रक्चर बोलते हो, वो हमको देखने को मिल रहा है। अब यार वो रेयर है कि नहीं भाई मेरे को नहीं पता, क्यों ना वहाँ पर चलकर देखते हैं। चलो गाइस यार हम चलने के लिए रेडी, लेट्स गो। अरे भाई यार काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिला, ओ भाई यार इतना ज़्यादा डैमेज, अगर अब मेरे को थोड़ी सी भी और चोट लगी तो भाई सीधा हम टपक जाएंगे, और हमारा रिस्पॉन्ड पॉइंट भी सेट नहीं है, क्योंकि हमने जो अपने बेड को तोड़ दिया है। तो यार अब मैं जो यहाँ पर फूड को खा लेता हूँ, और अब हमारी जो ब्रेड भी ख़त्म हो चुकी है, केवल एक है, और अब हमारे पास कुक्ड फूड नहीं है, तो हमको जो है थोड़ा बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। और यार ये एरिया काफ़ी बड़ा लग रहा था देखने से, और यार मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा। गाइस जो माउंटेन के होते हैं वो भाई काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जो डेजर्ट की केव होती हैं, अगर वहाँ से आपने गलती से भी डर्ट के ऊपर कर दिया क्लिक या सैंड के ऊपर, तो भाई वो जो है आपके ऊपर पूरा गिरने लगेंगे, और आपका जो है उसी के अंदर सीन हो जाएगा। तो भाई अगर उसके अंदर ना ही जाओ तो भाई सबसे भला होगा आपका। और गाइस यार ये देखो सामने हमको मिल चुका है ये रेयर वेल, जो कि यार बिल्कुल भी वेल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेस्ट नहीं है। आई नो मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, मेरा जोक बिल्कुल भी वेल नहीं था। गाइस यार चलो अब हम चलते हैं अपने सामने की ओर, अपने विलेज में। और भाई ये माउंटेन जो है काफ़ी ज़्यादा मस्त है, अगर हम इसके एक सर्कल को पूरा कंप्लीट करें तो हमको जो काफ़ी मस्त मस्त एरिया एक्सप्लोर करने को मिले हैं, जो कि यार बहुत सारा मस्त है। और यहाँ पर एक और रैबिट था जिसको मैंने मार दिया, और हम भाई लेवल 3 पर भी पहुँच गए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर भी एक केव है जहाँ पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यार मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ पर भी हैं चिकन्स, जिनको हम मारते हैं फटाक से, और इनसे भी हमको जो फूड मिलेगा मस्त वाला। और भाई बच गया, अगर हम यहाँ से नीचे गिरते तो भाई हम सीधा केव में जाके गिरते, और तब हमारा ऊपर आने का कोई भी चांस नहीं था, बिकॉज हमारे पास ना ही कोई ब्लॉक है ना ही कोई डर्ट है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और गाइस यार वो देखो सामने एक लावा है भाई, ऐसे में लावा मैंने कभी नहीं देखा, रियली में मैंने आज पहली बार देखा है लावा। गाइस मेरे को शक हो रहा है क्या ये लावा नकली है, मेरे को भाई ये एक छलावा लग रहा है, ये नकली लावा है, ये असली लावा नहीं हो सकता, क्यों ना हम इसके पास जाएं। और भाई ये असली लावा बिल्कुल ही 100% शुद्ध लावा है, अगर आप इसके पास जाओगे तो आपको ये डैमेज देगा, ये है पतंजलि लावा, एक बार जो पतंजलि का लावा खाए वो कुछ भी खाने के लायक ना रह जाए। तो गाइस यार क्या आपको भी पतंजलि लावा चाहिए बिल्कुल 100% शुद्ध, अगर चाहिए तो जल्दी से करो सब्सक्राइब, और जब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर उस पे कॉल करोगे तो मैं कॉल को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरा नंबर है नहीं भाई, मेरे पास भाई सिम ही नहीं है भाई, गलत बात है यार सिम ही नहीं मेरे पास। तो बस गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही यार, देखो अब हम जो अपनी शपथ को पूरा करेंगे, मैं उस विलेज को अबैंडेड से एक अच्छा विलेज बना दूंगा, और उस विलेज में काफ़ी ज़्यादा काम करना है ऑफलाइन। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और भाई यार मतलब कि मैं स्टंट मारने चला था, और भाई साहब मैं फिर से आ चुका हूँ जहाँ पर हम हुए थे स्पॉन। तो गाइस यार अब मैं पहले ढूंढता हूँ अपने उस विलेज को, कहाँ पर है वो विलेज, और अब मैं करता हूँ काम यार, काफ़ी ज़्यादा काम है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कर दो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल के साथ,